आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में आने वाले अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। तो रायपुर मौसम विभाग की तरफ से ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें मौसम विभाग ने सभी जिलों में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर बारिश होगी तो कहां पर बादल छाया रहेगा, जानेंगे इसी वीडियो में। इसके पहले यदि आप चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करना और कमेंट कर जिलों के नाम हमें जरूर बताइएगा। तो बारिश वाले जिलों के नाम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आज तापमान जिले में कितना रहेगा। तो दिन में अधिक तापमान वाला क्षेत्र है जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद जिला, जहां पर 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगी। और दिन में कम तापमान वाला क्षेत्र है बस्तर, जहां पर 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। बाकी जिलों की बात करें तो बाकी जिलों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगी। वहीं रात में तापमान की बात करें तो मोस्टली सभी जिलों में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रात में तापमान रहेगा। हवा की गति की बात करें तो सभी जिलों में सामान्य यानी कि 9 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया हुआ है। इनके अलावा अब उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा, तो उनमें से जिलों के नाम है सक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, अंबिकापुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला पिंडरा मरवाही जिला, बालोद, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। उन जिलों की बात करते हैं जहां पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना जाहिर की हुई है, तो उनमें जिलों के नाम है खैरागढ़, सुई खदान गंडई, मानपुर मोहला, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, जसपुर, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोरिया, इन सभी क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। इनके अलावा उन जिलों की बात करते हैं दोस्तों जहां पर मध्यम सी वर्षा होने के आसार हैं, तो उनमें जिलों के नाम है कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम सी वर्षा होने के अनुमान लगाए हुए हैं। वहीं बात करते हैं गरज चमक या फिर बिजली गिरने की संभावनाओं की, तो नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव में, जी हां, इन तीनों जिलों में आज बिजली गिरने के अनुमान लगाए हुए हैं। वहीं भारी बारिश की बात करें तो आज भी किसी भी जिले में भारी बारिश का अनुमान नहीं लगाया हुआ है। तो ये रहा रायपुर मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक बताए गए मौसम की हाल और मौसम की जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं ऐसे ही और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।